और हमारी खासकर यही रिक्वेस्ट रहेगी जो बानिहाल में हमारा ट्रैफिक के एहलकार है और जो रामबन में डीटीओ है उनसे हमारी मौजबाना रिक्वेस्ट है कि पुलिस एंड पुलिस जो भी बाहर की गाड़ी है उनको चेक करो सर, उनको आप देखो क्या आज में खुद कोदू बनाऊंगा है ना उस्ताद जी, आज अपने हाथ से बनाना बढ़िया है, अपने हाथ से बनाएंगे। आप क्या कर रहे हैं इसको चाकू को साफ करना है, चाकू रेगमाल से ना रेगमाल गंदा हो चुका था। और क्या एक बात है पुराने उस्तादों में ये है दानिश भाई की गाड़ी तो हमारा सेब है उसका 2 रुपया जो किराया है वो बढ़ गया है, लेकिन जो यहाँ वापसी का माल था उसमें 60 रुपया जो है पर क्विंटल जो है वो रेट डाउन हो चुका है, मतलब आप समझो ड्राइवरों का घाटा ही हो गया है गाड़ी वालों को। आपको फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल में, आई होप कि आप सभी दोस्त और भाई ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो ब्लॉग में देखा था आप लोगों ने कि हम जो है बिल्कुल सेफली जो जम्मू पहुंच गए हैं और अपनी गाड़ी वहां पे खाली भी की थी, तो फिर हम ना आए थे भाई ट्रांसपोर्ट नगर में माल देखने के लिए क्योंकि वहां पे माल ही नहीं था, क्योंकि जो हमारा सेब है उसका 2 रुपया जो किराया है वो बढ़ गया है, लेकिन जो यहाँ वापसी का माल था उसमें 60 रुपया जो है पर क्विंटल जो है वो रेट डाउन हो चुका है, मतलब आप समझो ड्राइवरों का घाटा ही हो गया है, गाड़ी वालों का घाटा ही हो गया है, क्योंकि 2 रुपया बढ़ गया 60 रुपया जो है वो डाउन हो गया रेट। आप खुद देख सकते हो 58 रुपीज पर क्विंटल का जो है इसमें डिफरेंस पड़ता है, इसलिए भाई जो 10 चक्का गाड़ी है उसमें इस टाइम नुकसान है 10,000 का और जो 12 टेरी गाड़ी है उसमें नुकसान है कम से कम 12 में ही 15,000 का, इसलिए यहाँ माल ही नहीं था। तो अब हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, मतलब कल तो संडे है ऑलरेडी छुट्टी है तो फिर मंडे के दिन देखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ बहुत खुशखबरी आया है, हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है जिसके पास हम पर्ची चलते हैं संजू भाई, उसने हमें पर्ची दी और बोला अरे भाई यहाँ पे माल ही नहीं है आप मेरा मशवरा मानो, मेरे पास एक गाड़ी खास माल है लद्दाख के लिए, आप भरो आप भरोगे? मैंने बोला हाँ मैं भरूँगा क्योंकि 2 दिन यहाँ तोड़ने से बेहतर है, तब तक हम लद्दाख ही पहुँच जाएंगे। और भाई अभी ना हम देख संभाल से और सीधा जो अपना डेस्टिनेशन है वो जाना है हमें लोडिंग पॉइंट पे अपनी गाड़ी लोड करने के लिए लद्दाख के लिए। सो ये आप दोस्तों का खुशकिस्मती है कि फिर से हमें लद्दाख का लोडिंग मिल गया है, तो आपको दिखाएंगे कैसा नज़ारा होगा आज लद्दाख का और किस तरह अपनी जर्नी रहेगी उस रोड पे आज के इस वीडियो में देख सकती हो। तो फिलहाल चलते हैं सीधा अपने फैक्ट्री में और वहाँ पे करते हैं अपनी गाड़ी जल्द से जल्द लोड। तो गाइस ये आप देख सकती हो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मार्जिन रोल फ्लोर मिल में जहाँ पे अपनी गाड़ी लोड करनी है। तो ये देख सकती हो भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी हमने पार्क करके रखी है, तो फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल हमें अपने पेपर डॉक्यूमेंट जो है जो अपने डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह है वो पहले अंदर एंट्री करवाना है, उसके बाद करेंगे गाड़ी एंटर और गाड़ी लोड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला एक गाड़ी निकलने के बाद फिर आप गाड़ी घुसाना और आपका गाड़ी हम लोड करते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा अपने मेल में और देखेंगे वहाँ पर अपने जो है एंट्री वगैरह करा के निकल जाएंगे। देखो भाई और इसी के साथ साथ अपनी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है लोडिंग के लिए, ये देख सकती हो अभी ना अपनी गाड़ी में लोड हो रहा है आटा। और अभी हमारा नंबर आया है शाम को क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सैटरडे थी, इसकी वजह से यहाँ पे जो है लोकल गाड़ियों का रश ज़्यादा था, उसकी वजह से अपनी गाड़ी जो है लेट ही हो गई है लोड। तो अब पता नहीं कि रात को ही निकलेंगे या सुबह, क्योंकि इन्होंने बोला कि अभी जो है पेपर नहीं मिलेंगे वो एटलीस्ट सुबह ही मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपनी गाड़ी का लोडिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपना रसद रुपया डालेंगे और फिर देखेंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर भी कल संडे है, कल भी कोई भरोसा नहीं मिलेंगे या नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर राजस्थान और यूपी की गाड़ियाँ जो है लोड कर रही है, लोकल श्रीनगर का, बड़गाम का, कहीं का भी हो कम से कम 5-6 गाड़ी जो है 14 चक्की वो कल से यहाँ पर लोड हो रही है। किस कहाँ के लिए भाई, श्रीनगर के लिए, हालांकि उनमें जो है लोकल टू लोकल चलने की इजाज़त नहीं है। गाइस इसी के साथ साथ अपने गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है वो बड़ी मुश्किल से आए हैं क्योंकि आज आपको पता ही होगा आज संडे था, तो हमें उम्मीद नहीं था कि आज हमारी गाड़ी के जो पेपर्स है वो बनेंगे, लेकिन
ऊपर वाला का शुक्र अदा करना चाहिए, थैंक यू ऑलमाइटी आला कि हमें पेपर मिल गए संडे के दिन भी। और इसी के साथ साथ भाई अभी जो अपना सफर है वो कंटिन्यू हम चल गए निकल गए फैक्ट्री से माल भर के, तो अब हम सीधा चलेंगे कानवाई में, क्योंकि खबर आने को लगी है कि हर रोज 2 बजे से ट्रैफिक मूवमेंट को रोका जाता है उधमपुर साइड से भी रात को और काजीगुंड साइड से भी, फिर सुबह ट्रैफिक मूवमेंट को अलाउ किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह फिर जाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए भाई क्या करेंगे, ऊपर से जो है राजस्थानी गाड़ी जो है, ऊपर से मैंने एटलीस्ट 4-5 राजस्थानी गाड़ी देखी है जो श्रीनगर का माल भर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मतलब एलो नहीं है, लोकल टू लोकल वो चले जम्मू से श्रीनगर, तो उन लोगों की वजह से हमारा जो भाड़ा है उसका डिमांड कम आ रहा है माल का, और जो भाड़ा है वो पूरा डाउन हो चुका है, क्योंकि मैंने उसको बोला उस्ताद आपको कहाँ का माल है, 14 चक्का गाड़ी था उधर फैक्ट्री में लोड करा था, उसने बोला श्रीनगर का, मैंने बोला उसका क्या रेट है, उसने बोला 105 रुपया पर क्विंटल, आप खुद समझ सकते हो। इसीलिए जो अपनी गाड़ी है कश्मीर की गाड़ी है वो तो जम्मू में बैठी रहती है नरवाल में, तो यहाँ अलग कोई सिस्टम चलता है। ये व्यापारी भी सोच रहे हैं कि अभी हमें जो है गाड़ी सस्ते दामों में मिलती है, उसकी वजह से ये भी इनको ही लगाते हैं। चलो देखेंगे कितनी देर तक ये लोग भी चलेंगे, और हमारी खासकर यही रिक्वेस्ट रहेगी जो बानिहाल में हमारा ट्रैफिक के एहलकार है और जो रामबन में डीटीओ है उनसे हमारी मौजबाना रिक्वेस्ट है कि पुलिस एंड पुलिस जो भी बाहर की गाड़ी है उनको चेक करो सर, उनको आप देखो कहाँ से माल भरा हुआ है क्या है, वो एटलीस्ट जो राजस्थानी यूपी नंबर हर कोई गाड़ी आती है वो खाली भाई इधर लोकल पे चलते हैं, लोकल पे हमें बाहर अलाउ नहीं करते, जुर्माना है वो, शुरू में क्राइम है एक तरीके से लोकल टू लोकल चलना किसी स्टेट में, क्योंकि जो यहाँ के लोकल गाड़ियाँ हैं उन पे असर पड़ जाता है, हमारी गाड़ी में फिर माल ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता ही होगा क्या सिस्टम है। जैसा हमारी इन अफसरान से मौजबाना गुजारिश है कि इसकी नोटिस ली जाए और इस पे ऊपर जो है वो कार्रवाई। और गाइस इसी के साथ साथ ये पॉइंट ऑफ नोटिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से भाई जो है रील्स वगैरह शूट करते हैं फोटो उठाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा ये सबसे बेस्ट लोकेशन है इस हमारे श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। और भाई अभी ना हम गाड़ी जो है पूरी खींच के रखी है, क्योंकि आगे बताया जा रहा है कि कानवाई लग रही है, तो फिर से टेंशन हो गया ट्रक ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि विदाउट कानवाई जो हम एक बड़े मज़े से चल रहे थे, जो ही कानवाई स्टार्ट हो जाती है हमारे नेशनल हाईवे पे तो फिर हमें बहुत टेंशन होता है, जो ट्रकर्स हैं उनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी ना हम जस्ट पहुँच चुके हैं बन प्लाजा, ये देख सकते हो बन टोल प्लाजा के पास पहुँचने वाले हैं। तो गाइस ये देखो कैसा सीन है, क्या नज़ारा है बाहर से, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर आज कार्रवाई हो जाएगी तो कल हम सोनामर्ग का कार्रवाई पकड़ेंगे, तो इंशाल्लाह परसों रात पूरी गाड़ी खींच के लद्दाख पहुंचना ही है। तो फिलहाल आप बाहर से नज़ारा क्या कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो, और अनफॉर्चुनेटली अपना जो कन्वर्टर था जिससे हम अपना जो फ़ोन चार्ज कर रहे थे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है भाई, देख सकते हो इसका लाइट वगैरह तो आ रहा है लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं कर रहा है, तो फिलहाल हमने अपना फ़ोन जो है फैक्ट्री पे ही चार्ज किया, तो आगे जाके हम देखेंगे अगर ये ठीक हुआ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर दूसरा ही लाएंगे, क्योंकि फ़ोन का जो मसला है ये सबसे मेन मसला है, ये फ़ोन आज के ज़माने में बड़ी इम्पॉर्टेंस जो है वो रखता है आज कल के डे टू डे लाइफ में। तो फिलहाल हम सीधा पहुँचेंगे उधमपुर, देखेंगे वहाँ से अपनी कार्रवाई हो जाएगी या नहीं, वो वहाँ जाके ही पता चलेगा उधमपुर पहुँच के ही भाई। तो फिलहाल यहाँ से उधमपुर का जो सफ़र है वो है 47 किलोमीटर, और आपको रोड से अगर दिख रहा होगा 47 और कटरा 22, और अपना श्रीनगर जो है वो है 228, और लद्दाख यहाँ से 700 किलोमीटर होगा। तो गाइस ये देखो साथ साथ हम पहुंचने वाले हैं उधमपुर, उधमपुर का अब जो सफ़र है यहाँ से वो खाली 20 किलोमीटर रह गया है, लेकिन सब कुछ जो है अपने मुकदर के ऊपर डिपेंड है कि कार्रवाई हो जाएगी या नहीं, वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो फिलहाल हम गाड़ियाँ जो है पूरी खींच के रखी है गाड़ी, और आज अपने साथ जो भाई जुड़ चुका है वो है
दानिश भाई की गाड़ी है अपने साथ, 6 की गाड़ी, तो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कहाँ है उस्ताद, कहाँ पे है। तो फिलहाल जो अपना सफर है वो कंटिन्यूस है, ये आप खुद देख सकते हो भाई, पूरी गाड़ी जो है वो खींच के रखी हमने, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कानवाई अगर हो जाएगी तो 2 बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से भाई लोगों ने कहा कि 2 जो है वो रोड बंद होने वाला है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई है, टेंशन हो गए, क्योंकि 2 एक ही जगह बैठने से क्या करेंगे भाई। तो फिलहाल आ रही है भाई की गाड़ी भी पीछे पीछे, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी गाड़ी दिखाऊंगा, भाई की गाड़ी बढ़िया वाल भाई, बढ़िया बढ़िया सुंदर, ये देख सकते हो गाइस, ये है दानिश भाई की गाड़ी, तो खुद वो दूसरा गाड़ी चला रहा है, इस गाड़ी पे ड्राइवर है, तो ये भी अपने साथ ही है, सेम ही जगह पे दोनों गाड़ियों ने लोड किया है। अब दोनों गाड़ियों की यही कोशिश रहेगी कि उधमपुर क्रॉस होना चाहिए। सो करते हैं अभी इस टाइम जो है वीडियो का यहीं पे बंद, क्योंकि पहले हम पूरा देखेंगे, उधमपुर पहुँच के ही पता चलेगा, अगर कानवाई हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो फिर वो बैड लक ही है, क्या करेंगे भाई। सो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं कानवाई में, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही बताया था कि आज कानवाई का सिलसिला है, क्योंकि 2 से जो है कंटिन्यू ट्रैफिक मूवमेंट को रोका गया है। तो फिलहाल हमने अपनी गाड़ियां जो है वो साइड में कर ली है, ये रही जिनेद भाई की गाड़ी और ये रहा उस्ताद बिलाल, और पीछे अपनी गाड़ी रख ली है हमने, तो अब क्या करेंगे, जो नसीब में होता है वही मिलता है। तो फिलहाल आज हमने अपनी सब्जी लाई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देखो भाई, एक तो हमने लाया कद्दू और लाया है दूध, क्योंकि उस्ताद ने बोला कि आज मैं खुद कद्दू बनाऊंगा, है ना उस्ताद जी, आज अपने हाथ से बनाना बढ़िया, अपने हाथ से बनाएंगे। आप क्या कर रहे हैं इसको, चाकू को साफ करना है, चाकू रेगमाल से ना, रेगमाल गंदा हो चुका था, और क्या, एक बात है पुराने उस्तादों में ये बिल्कुल साफ सफाई के साथ हर कोई चीज रखते हैं, खाना बनाते हैं। तो इसी के साथ साथ करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा ये वीडियो व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया हुआ होगा, वीडियो व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फैमिली।